आइए जानते हैं कैसे आप क्रेडिट लाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अपने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी और पासवर्ड के साथ स्पाइस मनी अधिकारी ऐप में लॉगिन करें, क्रेडिट लाइन पर टैप करें। यहां पर अधिकारी क्रेडिट लाइन की डिटेल्स चेक कर सकता है और साथ ही वीडियो के माध्यम से भी क्रेडिट लाइन द्वारा लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जान सकता है। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें। अब अधिकारी पार्टनर स्कीम यानी कि माय शुभ लाइफ के लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहां पर अधिकारी को अपनी कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले अधिकारी अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें, पैन कार्ड नंबर के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, अपने करंट एड्रेस का एरिया पिन कोड डालें और नेक्स्ट पर टैप करें। पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी है। अब अधिकारी अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरें, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करें, नेट मंथली इनकम एंटर करें, टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करें, कंपनी नेम में स्पाइस मनी लिमिटेड लिखें और गेट लोन ऑफर पर टैप करें। एम्प्लॉयमेंट डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं, प्रोसीड पर टैप करें। अब अधिकारी अपनी एड्रेस डिटेल भरें, फादर या गार्जियन का नाम एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट करें, करंट एड्रेस रेजिडेंट टाइप सेलेक्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें। एड्रेस डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अधिकारी अपनी कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरें, अपनी डेजिग्नेशन भरें, कंपनी टाइप सेलेक्ट करें, एम्प्लॉय आईडी एंटर करें, कब से कंपनी में काम कर रहे हैं वह डेट डालें, अपना वर्क एड्रेस यानी कि कंपनी का एड्रेस भरें, बिल्डिंग नंबर डालें, स्ट्रीट का नाम एंटर करें आदि और प्रोसीड पर टैप करें। एम्प्लॉयमेंट डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अधिकारी लोन डिटेल्स पेज पर आ जाएं। अधिकारी को कितना लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है वह चेक कर सकते हैं, लिमिट वैलिडिटी कितनी है वह भी चेक कर सकते हैं, लोन लेने का पर्पस डालें, सैलरी बैंक अकाउंट नंबर डालें जिसमें कि लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, बैंक का IFSC कोड डालें, रेफरेंस में किसी फैमिली मेंबर का नाम एंटर करें और प्रोसीड पर टैप करें। लोन डिटेल सक्सेसफुली भरी जा चुकी हैं। अब अधिकारी KYC प्रोसेस को पूरा करें। अधिकारी KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करें जिससे कि आप आधार बेस्ड EKYC द्वारा कर सकते हैं, अपना आधार नंबर एंटर करें, कैप्चा एंटर करें, प्रोसीड पर टैप करें, आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसे एंटर करें और प्रोसीड पर टैप करें। KYC प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा हो गया है, अप्लाई फॉर लोन पर टैप करें। आपको स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा कि विद इन 2 डेज में आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी अपडेट हो जाएगी, गो टू होम पेज पर टैप करें। क्रेडिट एलिजिबिलिटी अपडेट होने के बाद आप दोबारा से क्रेडिट लाइन पर टैप करके माय शुभ लाइफ के लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपका क्रेडिट लाइन अमाउंट अप्रूव हो गया है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके साथ ही आप लोन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फी, कन्वीनियंस फी, इंटरेस्ट बिलिंग ड्यू भी चेक कर सकते हैं और साथ ही प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं और डाउनलोड हेयर पर टैप करके इन सारी डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट लोन ऑफर पर टैप करें, अपना एक ऑल्टरनेट नंबर एंटर करें और सेंड लिंक पर टैप करें। ऑल्टरनेट नंबर में आप अपनी किसी फैमिली का या किसी का नंबर दे सकते हैं जिससे आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके, क्योंकि उसके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। फर्दर प्रोसेस के लिए उस लिंक पर क्लिक करें और प्रोसीड करें। अब अधिकारी अपनी सेल्फी अपलोड करें जिसके लिए प्रोसीड पर टैप करें, अपनी सेल्फी लें और अब अधिकारी अपना लोन एग्रीमेंट साइन करें, एग्रीमेंट को डाउनलोड करें, आपके मोबाइल नंबर पर आया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें और वेरीफाई पर टैप करें। अधिकारी रीपेमेंट मोड सेलेक्ट करें, ENACH जिसमें कि अधिकारी के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक है नेट बैंकिंग और दूसरा है डेबिट कार्ड। अधिकारी अपनी सहूलियत के अनुसार रीपेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। हमने ENACH लोन रीपेमेंट करने का ऑप्शन चुना है जिसमें कि हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे। नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक्सेप्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें। रीपेमेंट के लिए नेट बैंकिंग ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अधिकारी स्क्रीन पर एक्टिवेट लिमिट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अधिकारी डायरेक्टली अपने स्पेसिफाइड बैंक से लिमिट के अनुसार जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए विड्रॉ पर टैप करें, अमाउंट एंटर करें और प्रोसीड पर टैप करें। आपकी बैंक डिटेल स्क्रीन पर शो हो जाएंगी जिसमें कि अमाउंट ट्रांसफर होगा। विड्रॉ पर टैप करें, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद मैसेज स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अधिकारी अपने द्वारा विड्रॉ किए गए अमाउंट यानी कि ड्रॉ डाउन रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही उसने जितना रिपेमेंट किया है वह भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप से अधिकारी अप्लाई करें क्रेडिट लाइन द्वारा खुद के लिए इंस्टेंट लोन और आसानी से भुगतान करें लोन की EMI भी।